अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज मैं आपको प्रेसेंट 10B विज़िट करवाता हूं और प्रेसेंट 10B के बारे में आपको चीज़ें बताता हूं कि वो कोशिश करूंगा वो चीज़ें आपको बताऊं जो शायद आज तक आपको ना पता चल सकी हैं, और कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है इस प्रेसेंट में और यहां पर कितने लोग घर बना रहे हैं, और एक ऐसी चीज़ जो कि विलाज यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आज तक बेजे टाउन ने लॉन्च भी नहीं किए। तो आए सबसे पहले मैं आपको प्रेसेंट 10B के विलाज विज़िट करवाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बाकी सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये आप जैसे सब देख सकते हैं, ये प्रेसेंट 10B के विलाज हैं। यहाँ पर पूरी सीरीज़ बैरियर टाउन ने दी हुई है, 150 गज के ये विलाज हैं और आज तक बैरियर टाउन ने ये वाले विलाज लॉन्च नहीं किए। अब देखते हैं बैरियर टाउन किस टाइम इन विलाज को लॉन्च करता है और किस रेट के ऊपर लॉन्च करता है, क्योंकि अभी इस टाइम 11B में जो विलाज हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 40 1 करोड़ 50 लाख तक का रेट है। तो कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल वैसी की गई है जैसे बाकी सारे विलाज की गई है। ये आप देख सकते हैं ये सारे विलाज जो हैं यहाँ पर ये सब कंप्लीट है, रेडी फॉर पोजीशन है। सिर्फ एक वो वाला एरिया है, मैं वो भी आपको करीब से दिखवाता हूँ। वो वाले एरिया में अभी ग्रे स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुए हुए, लेकिन ये मेजॉरिटी सारे विलाज जो हैं वो कंप्लीट है। ये वाला एरिया जो आपको ब्लैंक नज़र आ रहा है, यहाँ पर बैरियर टाउन ने ये पुलिस स्टेशन और फायर ब्रिगेड का एरिया और इस तरह के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है वो मैप में शो किया हुआ है कि वो बाद में यहाँ पर लॉन्च करेगा। आ जाए मैं अब आपको इन विलाज को थोड़ा सा अंदर से दिखा देता हूँ कि कैसे बने हुए हैं। आइए आप लोगों को आज 10B के ये विला विज़िट करवाते हैं। वैसे तो आप सबने 10B के विलाज देखे हुए होंगे, 125 गज के ऊपर जो ये विलाज बने हुए हैं, लेकिन इसमें जो मेन बात है, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस यही है कि जो 23 है विलाज वाले जो डिस्प्यूटेड कस्टमर हैं उनको शायद बैरियर टाउन जो है ये रेडी विला अगेंस्ट में उनको इशू कर दे। बैरियर टाउन कोशिश पूरी कर रहा है कि 23 विला वाले जो लोग हैं वो कम से कम हो जाएं। जैसे ही वो कम हो जाएंगे, और यहाँ पर आप ये पूरा एरिया देख सकते हैं कि 23 के जो विलाज हैं थोड़े से ही लोग रह गए और यहाँ पर भी थोड़े से ही विलाज मौजूद हैं। तो अगर उनको बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर ये वाले विलाज मिल जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हो जाएगा कि उनकी वैल्यू भी बरकरार रहेगी और उनको एक अच्छा विला भी मिल जाएगा। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, जैसे ये अंदर एक लाउंज का एरिया दिया गया है, यहाँ पर ये सामने ये डाइनिंग एरिया दिया गया है यहाँ पर ये, और एक बहुत ही प्यारा सा एक किचन का प्रॉपर एक रूम दिया गया है, और ये सारी कैबिनेट्स बैरियर टाउन जो है वो आपको लगा कर देता है। ये माइक्रोवेव ओवन की जगह है जो उन्होंने छोड़ी हुई है। अब हम इसकी ये गैलरी की बात करते हैं, ये गैलरी मेरे ख्याल से ही बंद है। ये आपका वॉशिंग एरिया हो जाएगा जहाँ पर आप अपनी सामान यहाँ पर किचन का भी रख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये एक वन बेडरूम दिखाता हूँ, ये एक वन बेडरूम अपार्टमेंट है। इसमें ये अटैच आपकी कैबिनेट दी गई है और ये काफ़ी अच्छे साइज़ का अपार्टमेंट दिया गया है, और इसका जो वॉशरूम है वो भी काफ़ी खूबसूरत सा बनाया गया है। आप ये देख लें इसको, आ जाए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। अच्छा, ये स्टेयर्स में आप ये देखेंगे, इन्होंने ये साइड में बहुत सी प्यारी सी एक बड़ी सी विंडो लगाई है जिसमें आपकी काफ़ी जो है ये सनलाइट अंदर से आके आपका घर जो है वो काफ़ी रोशन नज़र आता है। फिलहाल ऊपर आने के बाद एक उन्होंने वापस से एक लाउंज का एरिया दिया गया है। लाउंज के एरिया के बाद जो है एक ऊपर बेडरूम है, सेम वही साइज़ है जो नीचे दिया गया था, और आपकी जो कैबिनेट है वो आपकी इसमें आपकी अंदर दी हुई है, और वॉशरूम आपका यहाँ पर है। अभी फ़िलहाल कंप्लीट नहीं हुआ, हो सकता है कि हार्डली 6-8 महीनों में ये बिल्कुल रेडी हो जाए। सेम ये दूसरा है, इसमें जो कैबिनेट है वो आपकी रूम के अंदर ही मौजूद है, और ये आपका वॉशरूम आ गया।
तो बहुत ही शानदार भैया टाउन में ये विलास बनाए हुए हैं, जो कि ये 3 बेडरूम के ऊपर मौजूद हैं। तीनों में अटैच बाथरूम है और ये आपके लाउंज भी है और एक डाइनिंग एरिया भी दिया गया है। तो बैरियर टाउन ने बहुत खूबसूरती के साथ विलास बनाए हुए हैं, तो आप लोग जब भी ये लॉन्च हो तो ज़रूर अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और बिल्कुल मेन गेट पे और यहाँ पर आबादी फ़िलहाल ऑलरेडी मौजूद है, आ जाए। मैं उम्मीद करूंगा कि 23 से विलास वाले जितने भी अफेक्टीज हैं उनको मलिक रियाज साहब ये वाले प्रेसेंट 10B के विलास अलॉट करेगा या उनको अकोमोडेट करेगा इस जगह पर, ताकि वो ख्वाब जो 2013 में मलिक रियाज साहब ने लोगों को दिखाया था वो इस ख्वाब को आके, लाइफस्टाइल को आके जी सकें। क्योंकि मेरे जितने भी कस्टमर्स मौजूद हैं 23 विलास के, उन सबको मैंने हमेशा यही रेकमेंड किया कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले बैरिया टाउन ने बैरिया हाइट्स उनको ऑफ़र किया, कुछ लोगों ने अवेल किया और कुछ लोगों ने अवेल नहीं किया। उसके बाद फिर आज के दिन करंट उन्होंने 70 लाख रुपये की वैल्यू उनको कहा है कि आप उसमें एडजस्टमेंट करवा लें, कुछ लोगों ने कर लिया और आज भी कुछ लोग इस मुंतज़िर में हैं कि कुछ ना कुछ उनके लिए हल निकलेगा। तो मेरी पूरी उम्मीद मैं इस बात पे हूँ कि हो सकता है कि ये तकरीबन 200 के करीब विलास मौजूद हैं और इन 200 विलास पे मलिक रियाज साहब उन अफेक्टीज़ को अगर एडजस्टमेंट कर देता है तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि वो भी खुश होंगे और मलिक रियाज साहब को भी लोग बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेंगे, क्योंकि मलिक रियाज साहब को 23 विला अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करते। तो खैर आप आ जाइए, फ़िलहाल तो मैं अपनी दूसरी वीडियो की तरफ जा रहा हूँ। 125 गज़ प्रेसेंट 10B ज़रूर मेरी देखिएगा और मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी 10B वाली वीडियो प्लॉट्स की ज़रूर देखिएगा।